अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है और मैं साइड में बैठ के कुछ खा रहा था। वैसे भीड़ देख रहे हो कितनी है, तो मैं भी इस भीड़ का हिस्सा बन के बाबा के दर्शन के लिए चल देता हूँ। और केदारनाथ का ट्रैक कहने के लिए सिर्फ 16 किलोमीटर का है, असल में वो है 22 किलोमीटर का। और यहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी धूप तो कभी बारिश। वैसे केदारनाथ ट्रैक पे असली मेहनत तो ये लोग करते हैं। आधा ट्रैक कम्प्लीट करने के बाद मैं रुकता हूँ और खाता हूँ मैगी। वैसे यहाँ की मैगी का अलग ही टेस्ट होता है। और हाँ, केदारनाथ की असली ट्रैकिंग लास्ट के 7 किलोमीटर में है, इसी में सबकी हालत खराब हो जाती है। और अपनी हालत और भी ज्यादा खराब करवाने के लिए मैं ले लेता हूँ शॉर्टकट। पहले तो मुझे लगा शॉर्टकट लेके गलती कर दी, पर जब मैंने ये झरना देखा जहाँ पे लोग नहा रहे थे और उसके बाद ये खूबसूरत व्यू देखा, तो मुझे लगा मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। शॉर्टकट वाला रास्ता वैसे तो बहुत ही मुश्किल था, पर कहते हैं ना, महादेव यूं ही नहीं मिलते। और इस व्यू पॉइंट पे तो मैं 30 मिनट यूं ही बैठा रहा। अब देखते देखते शाम के 6 बज गए और मैं पहुंच गया बाबा के पास। और सच बताऊं तो धरती पे कहीं जन्नत है तो वो यही है, हर हर महादेव।